अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी मैं जा रही हूँ मेरी बेटी के फ्रेंड के घर। तो इसकी फ्रेंड में, आयशा की फ्रेंड में आपको अभी दिखाती हूँ। वो आई थी अपने नानों के घर, तो आयशा कह रही थी मामा जी मैंने उससे मिलने को जाना है। तो हम जा रहे हैं उनके घर, अभी मैं आपको आयशा की फ्रेंड दिखाती हूँ। जी ये है आयशा की फ्रेंड, छोटी सी पड़ोसी। और ये जो है इसका मंगेतर है बहुत ही गुजरने वाला इस्माइल। ये मामू है और ये भांजी है हाइक माँ ना बनाएंगे दो साल बाद इस्माइल। ये मुंतहा भट्ट है। ये मेरा भाई है माशाल्लाह। और चल तो जी बच्चों के मामू लेके आए हैं बच्चों के लिए सीख कबाब और साथ में रोटियां, रायता और कोक। जी तो ये बच्चों का स्कूल है जी, बच्चों का रिजल्ट लेना था। तो गैदरिंग वगैरह तो नहीं थी, बस उनके रिज़ल्ट लेके, उनके रिज़ल्ट कार्ड लेके मैं घर आ गई थी, क्योंकि मैंने जाना था सियालकोट। तो पैकिंग वगैरह करनी थी, तो जल्दी जल्दी मैं पैकिंग की और सियालकोट को आना जगे माला हुसैन।
तो जो ये है नंदीपुर नहर है, हमारे रास्ते में आती है सियालकोट और गुजरांवाली के दरमियान नंदीपुर नहर है। यहाँ पे उतरे थे बच्चों ने ड्रिक्स वगैरह लेने के लिए, डिजीज लेस वगैरह लेने के लिए, डिजीज कह रही सॉरी अशोक तो जी रास्ते में ये खान लोग थे, खान भाई साहब थे, उन्होंने ये चादरें वगैरह रखी हुई थी ऐसे रास्ते में लटकाई होती हैं, और काफ़ी लोग यहाँ से ये चादरें वगैरह लेके जाते हैं, शॉल्स वगैरह, ये खेस बने हुए हैं। तो जी फिर आ गई भाई सरदाई वाले साहब, तो अम्मी का मेरा ज़्यादा तेज़ हुआ है, ब्लड प्रेशर तेज़ है, तो मुझे यहाँ पे सरदाई पिलावा दो थोड़ी सी। तो हमने फिर सरदाई पी एक एक ग्लास, रिफ्रेशिंग अच्छी होगी, तो मौसम काफ़ी गर्म था। आगे डस्टबिन है, ये जी दस का आधा घंटा घर है। ये मोटर है, ये पुल के नीचे से गुजर रहे हैं। इन्हों ने चाचा बना दे जी। रस्ते में ऐसे दुपट्टे ये शाल्स वगैरह उड़ते देख के मुझे वो वाला गाना सहमा था, पंजाबी गाना याद आ गया, जो था वो क्या था, गोरे रंग के दुपट्टियाँ दी छाँ करके, उसमें भी ऐसे दुपट्टे उड़े होते हैं।
बोलो जी। ये है बाबे सियालकोट, अब जी हम सियालकोट में इंटर होने वाले हैं। ये जी हम इंटर हो गए हैं सियालकोट में। सिटी हाउस इंटर ये जी यहाँ की ढकियाँ हैं, ये ऊपर जाना पड़ता है। चल मैं सांस ले लूँ, सांस ले लूँ। ये देखिए जी पुराने मकान। ये देखिए जी ऐसे ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए हम सियालकोट कम आते हैं, क्योंकि जो मेरे पापा लोग हैं उनके घर वो देखिए जी सड़क वो नीचे है, तो हमको जाना है वो ऊपर। नानू जा रही है, विशाल भी जा रही है। सांस फूल रहा है ऐसे जैसे पहाड़ पे चढ़े हैं हिंद के। यहाँ तो लोगों के पुराने घर हैं, इसे भी चला नहीं जा रहा। आशा पा गई आगे। पुराने घर हैं, हम भी बैठे हैं। जी ये मेरी आपा का घर है। तो जी फाइनली हम पहुंच गए थे, तो खाना लग गया था। राजमा मैंने बनवाया था क्योंकि मेरी पापा बहुत मज़े का राजमा बनाती हैं, तो मैंने इनको कहा था ज़्यादा एहतमाम नहीं करना। तो फिर हम खाना खाने लग गए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।